अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने ग्राम पंचायत धोलिया में 44 लाख रुपए की लागत से सेवन चारा ग्रह विकास कार्य का फीता काटकर एवं शिलान्यास पटिका का अनावरण कर विधिवत इसकी शुरुआत की। इससे पहले उन्होंने शहीद सुखराम विश्नोई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में माँ बाप वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस मौके पर लोहावट विधायक कृष्णाराम विश्नोई, पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकी, सरपंच धोलिया शिवर्धन विश्नोई के साथ ही जनप्रतिनिधि एवं अच्छी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत होलिया में जन समुदाय को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के नए परिसीमन का तोहफा देकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को विकास की कड़ी में अग्रसर किया। उन्होंने कहा कि पंचायतों के नवगठन से ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास होगा एवं ग्रामीणों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने कहा कि जिले में 4 नई पंचायत समितियां एवं 64 ग्राम पंचायतें नवसृजित हुई हैं। नवसृजित पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में विकास की गंगा बहेगी एवं इसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को मुख्यमंत्री की मनुष्य स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई अनूठी योजना की जानकारी दी एवं कहा कि इसमें बीमार व्यक्ति की निशुल्क उपचार के लिए 5 लाख का प्रावधान है। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे इसका पूरा लाभ उठावे और प्रभारी मंत्री एवं अल्पसंख्यक मामला मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गांव, गरीब व किसानों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर है एवं उनके लिए ढेरों योजनाएं चलाकर उनको लाभान्वित कर रही है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री व अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने धोलिया के किशन प्रकाश विश्नोई की कोरोना से मृत्यु होने पर उसकी धर्मपत्नी पप्पू देवी को 1 लाख रुपए का वित्तीय सहायता राशि, स्वीकृति पत्र एवं उसके 2 पुत्र व 1 पुत्री को पालनार्थ की स्वीकृति का पत्र प्रदान किया।